आएगी, एक आएगी, एक हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, और एक लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। बस ये दो तब्दीलियां हैं। ठीक हो गया। तो ठीक हम ऐसा कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से सॉल्व करवा लेता हूँ, ताकि बच्चों हमारे लिए आसानी हो जाए, आपके लिए भी आसानी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लो बच्चे, तो मैं सबसे पहले बेटा जो करने लगा हूँ क्वेश्चन को पढ़ो। वो कहता है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट फॉर। अच्छा, सबसे मेरी जो बेसिक होती है ना बच्चों आप लोगों से, वो हमेशा एक ही होती है कि फॉर्मेट याद करो। ये देखो, हमने वहां से देखी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट और मैंने यहाँ लिख दी। अब बेटा ट्वेंटी यहाँ देखो, थाउजेंड मटीरियल लेबर एफ ओ एच, तो यहाँ मैंने बेटा मटीरियल लिखा, लेबर लिखा, एफ ओ एच लिखा, तीनों को ऐड किया। अब इस 56 में इस 20 को ऐड किया, 56 बन गया। ये रुपीज की सूरत में है, बस बात खत्म हो गई। यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट बच्चों 5000। कितने फाइव कंप्लीट थाउजेंड हो गए? 4000। कितने रह गए? 1000। उनमें 50% मटेरियल है, 50% लेबर है, 50% एफ ओ एच है। सारों में बेटा ये 50% है। ठीक हो गया इसने लिखा के साथ फिफ्टी बेटा, फिफ्टी परसेंट परसेंट कंप्लीट का मतलब है सारों के लिए 50%। लीगली ठीक थी ठीक है। नेक्स्ट बेटे, ये जब हो जाएगा उसके बाद आप ये निकालोगे पर यूनिट कॉस्ट। कैसे सर? पर यूनिट हम ऐसा करेंगे कि 20,000 को 5,000 पे डिवाइड करेंगे, 4 निकल आएगी। ये बेटा आप नहीं फाइंड कर सकते, इसके लिए आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंप्लीटेड यूनिट्स और यूनिट्स इन प्रोसेस। कंप्लीटेड बच्चों कितने हैं? 4000। इन प्रोसेस है 1050%। इसका 50% में 1050 तो 4500 निकल आएगा। तो बेटा नहीं जो इनके थे, ये इनका मटेरियल था 18, 9 और 9। 18 को मैंने 4500 पे डिवाइड किया, ये 9 को 4500 पे, ये फिर 9 को 4500 पे, तो ये बेटा 4, 2 और 9 मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये जो 4, 2 और 9 मैंने पर यूनिट निकाली है अभी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये देखो, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो बेटा ये 8 और 4 ऐड होके 12 बन गया। अब बेटा मैं यहाँ निकालूंगा कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। कैसे निकलेगी? जो यूनिट्स कंप्लीटेड थे उनको मैंने टोटल पर यूनिट जो कि 12 है उसे मल्टीप्लाई किया, तो मेरी क्या निकल आई बच्चों? ये 48,000 निकल आई। अब बेटे मैंने क्या बताया था, जब भी यूनिट्स कंप्लीटेड होंगे, ठीक है, यूनिट्स इन सेकेंड डिपार्टमेंट होंगे विदाउट लॉस, तो मैंने क्या बताया है कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री में मटेरियल लेबर एफ ओ एच के अलावा एक प्रीवियस डिपार्टमेंट भी ऐड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सारों के साथ क्या लिखेंगे बच्चों? सारों के साथ लिखेंगे 1, 1, 1, 1। बेटा पिछला डिपार्टमेंट 100% कंप्लीट होगा और ये वाले जो होंगे ये यहाँ से आएंगे। 50% मटेरियल, 50% लेबर, 50% एफ ओ एच। बेटा ये जो पर यूनिट है इसकी यहाँ से आएगी, इसकी यहाँ से आएगी, और इसकी यहाँ से आएगी, और इसकी यहाँ से आएगी। तो इस तरह से ये इनकी, तो इन सारों का जो आंसर बनेगा उसको हम नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। जो इन सारों का आंसर बनेगा उसको हम नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। ये सारों का आंसर बना, ऐड किया, यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब ये 56 और ये 56 इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो आपका क्वेश्चन ठीक है। कोई बच्चों आपके जहन में क्वेश्चन है? फॉर्मेट क्लियर हो गया। ही है, फॉर्मेट ही है। अच्छा एक और चीज सायरा बेटा सुन लो, मोहम्मद आप भी बेटा, मटेरियल इन द बिगिनिंग होगा तो मटेरियल की यहाँ परसेंटेज 0% देनी है, और मटेरियल अगर एट द एंड होगा, इन द बिगिनिंग होगा तो 100% मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेनी है, और मटेरियल एट द एंड होगा तो 0% मटेरियल की आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेनी है। ठीक ये सर हो? डिग्री ऑफ कंप्लीशन का वाला क्या क्वेश्चन, मतलब होता इसमें है? क्या क्या करना? मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या होता है मोहम्मद? डिग्री जी सर ऑफ कंप्लीशन बेटे आप समझो कि आप और मैं, हमने लगाई हुई है सपोज फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें हम चेयर्स बनाते हैं बेटा, तो चेयर्स पे मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगती है। तो मटेरियल इन द मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब है 50% मटेरियल लग चुका है, 50% लेबर लग चुकी है, 50% एफ ओ एच लग चुका है। समझ गए हो बेटा डिग्री ऑफ कंप्लीशन का क्या मतलब?
ये डिग्री ये बताती है कि यूनिट्स जो प्रोसेस में है उन पे कितने परसेंट मटेरियल लगा है, कितने परसेंट। अब ये 50% का मतलब है 50% मटेरियल, 50% लेबर, 50% एफर्ट। और मटेरियल अगर इन द बिगिनिंग लिखा होता मोहम्मद, तो फिर इसका मतलब 100% मटेरियल लग चुका है, जो लगना था मटेरियल लग गया, अब और मजीद नहीं लगना। अब समझ आ गई? जी सर। ये बेटा डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अच्छा।